तो वो एक चीज जो मुझे यहाँ खींच के लेके आई है वो है इनकी जर्नी की स्टोरी। इसमें एक वर्ड आता है होटल मैनेजमेंट। हाँ थोड़ी कहानी सिमिलर है, हम दो तीनों ने एक्चुअली होटल मैनेजमेंट करी है, पर आप देख सकते हो ये कहाँ और हम कहाँ। भूसा वाले देख के नहीं रहना। नहीं चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो दिव्यांशु, जब 2021 में रिसेशन चल रहा था और आप पास हो रहे थे और मैं भी पास हो रही थी, तो मतलब ये स्टार्टअप करने का कैसे मतलब सूझा? उस टाइम पे इतनी हालत खराब थी, कैसे हिम्मत आई मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने की? हमारा एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही था ये बिजनेस करने का, स्टार्टअप करने का। तो हमने एक बना लिया था कि यार हमें बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में हमने देख लिया था कि क्या होता है होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का। जब तक आप एमटी नहीं लगोगे, ओसीएलडी क्रैक नहीं करोगे, तब तक यार कोई इज्जत नहीं है। राइट। और आपको लंबा समय खेलना पड़ेगा इंडस्ट्री में, तब जाके आप एक एक्सपेक्टेड पोस्ट तक जाओगे। तो उतना टाइम हमारे पास था नहीं कि उतना टाइम दें इस चीज़ में। ओके। हमें जल्दी से कुछ करना था। तो जल्दी से कुछ करने का इट मीन्स कि आप बिजनेस ही कर सकते हो, 3-4 साल में आप एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे, सोसाइटी में आपकी इज्जत होगी कि यार इसने अचीव कर लिया इतना बड़ा लेवल। तो वही करना था हमें, और उसी माइंड सेट के साथ हम कोविड के टाइम पे उतर गए। तो सौरभ, ये स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट वो पैंडेमिक में ही स्टार्ट करा था हम लोगों ने। तो रेंट पे लेके चीज़ें करना उस समय पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने स्टॉल से स्टार्ट कर दिया। कार्ट लगाया हम लोगों ने अपना। कहाँ पे लगाया था? और पहला कार्ट हम लोगों ने पाटलिपुत्रा रूबन हॉस्पिटल के पास लगाया था। तो उसके बाद फिर मतलब वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, मतलब रोज ऐसा ऐसा चीज़ हम लोग फेस करते थे, मतलब चाय सेल नहीं हो पा रहा था हमारा उतना, तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे एक टाइम। मतलब आपने चाय का ठेला लगाया? हाँ, चाय का ही लगाया, सिर्फ चाय थी। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मतलब कॉलेज हमारा ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे एक स्टाफ को रख के, लेकिन फिर हम जब कॉलेज ख़त्म हो गया तो इसको ही फिर हम लोग को आगे बढ़ाना था, तो कार्ट पे हम लोग खुद से उतर गए थे। खुद से उतरे, उसके बाद फिर वही सेल नहीं हो पा रहा था कुछ, तो उसको उसमें डिसअपॉइंट ना होके हम लोगों ने काम करते रहा और प्रोडक्ट में कुछ कुछ चेंजेस करा, थोड़ा बढ़ाए हम लोगों ने उसको, और स्टॉल को भी थोड़ा मॉडिफाई करा। तो उसके बाद फिर जाके एक टाइम के बाद सही से होने लगा था सेल वगैरह। तो हम लोग का एक स्टॉल से दो स्टॉल, दो स्टॉल से तीन स्टॉल हो गया था। कहाँ पे ये स्टॉल्स लगे हुए थे? ये एक तो रूबन हॉस्पिटल के पास लगा ही हुआ था, जो जहाँ से स्टार्ट करा था हम लोगों ने, फिर एक एसके पुरी पार्क के पास लगाया था। ओके। और एक गोला रोड में लगाया था। उस टाइम पे वो स्टॉल का कुछ नेम हुआ करता था? हाँ, वन शॉट के नाम से ही था शुरू से। वन शॉट के नाम से था, मतलब फर्स्ट डे हमारा एक ही कप चाय सेल हुआ था। लोगों को मजाक लगे या जो भी लगे, यार सही बात है। तो उस पे क्या हुआ था ना कि हम लोग रात में सोचे कि यार एक ही कप सेल हुआ, उसमें कुछ नाम वाम नहीं रखा था हम लोगों ने, वन शॉट नाम रख दिया। हाँ, वन शॉट, मतलब चाय भी की है। हाँ, एक चाय भी की है। और मतलब इस टाइप से सोच के रखा था कि मतलब ऐसा बोल सकते हम लोग, एक कोट तैयार करा है अपना, लाइफ इज वेटिंग ऑल यू नीड इज अ वन शॉट। तो वही वन शॉट सोच के नाम रखा। और उसके बाद स्टॉल हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 साल चलाया था। तो जब पैंडेमिक ख़त्म हो गया एक बार, तो फिर हम लोगों ने ये क्या बोलते इसको आउटलेट हम लोगों ने खोला अपना। और इसमें भी मतलब इसके पीछे भी जर्नी होता है, जैसे कि हम लोग ये चाह रहे हैं ना कि मैं भी एक टाइम के बाद, हम लोग भी एक टाइम पे स्टॉल पे थे, तो अभी जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग हेल्प करना चाहते हैं। किस चीज़ में हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब वो एक जो स्ट्रेस होता है ना, आप रोड पे उतर के काम कर रहे हो, ठीक है, और फैमिली बैकग्राउंड आपका वो चीज़ नहीं है कि आप रोड पे काम करो, समझ रहे हो ना, तो एक स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा कि यार फैमिली का भी प्रेशर, करियर को भी लेके प्रेशर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जॉब छोड़ के ये चीज़ को कर रहे हो। तो उनको ये चीज़ हम लोग थोड़ा समझाना चाहते हैं यार कि कर लोगे, और जो भी गाइडेंस है वो एक गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम लोग खुद भी जाके स्टॉल पे उनसे बात करेंगे, बाकी हमारा इंस्टा का पेज भी है oneshot.india, तो उस पर भी जिसको भी हम लोग से कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज हो तो क्लियर कर सकते हैं, oneshot.india पे आप मैसेज करके कर सकते हो, हम लोग रिप्लाई करेंगे उस पर। और मतलब अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है और उसको हेल्प चाहिए बट वो आपके बारे में नहीं जानता, तो हाउ दे विल अप्रोच यू, और उसको अवेयरनेस के लिए आप क्या करने वाले हो? हम लोग ऐसा अभी क्योंकि हमारा भी अभी नया ही है, ये 2-3 महीने हुआ है,
तो अभी हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं वैसा कि कुछ टाइम निकाल के एक दो घंटे का हर एक दिन हम लोग कुछ स्टॉल्स पे कुछ एरिया डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग स्टॉल पे जाके उनसे बात करेंगे. वो मैटर नहीं करता कि वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लोग खुद से जाएंगे, ठीक है. और उनको बताएंगे क्योंकि हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट करा है, तो जो भी फूड वो सेल कर रहे हैं, जो भी ड्रिंक वो बना रहे हैं, उनका नॉलेज है हम लोगों को कहीं ना कहीं. तो उसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, और भी काफ़ी चीज़ें होती है. आप उनको फंडिंग से लेके प्रॉफिट जनरेट फंडिंग सब चीज़ में हेल्प करने वाले हैं. फंडिंग में अभी मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को कि फंडिंग में हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ एक टाइम के बाद करेंगे ज़रूर. थोड़ा अपना बेस अच्छा से बन जाए तो उसके बाद फंडिंग में भी हेल्प करेंगे. लेकिन देखो यार, फंडिंग ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना. उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो कोई बता दे तो आदमी कर सकता. राइट डायरेक्शन दिखाना इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप में ना राइट डायरेक्शन दिखाना होता है. जब आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो ना कोई भी बिजनेस, तो आपको राइट डायरेक्शन दिखाने वाला कोई होना चाहिए, कोई मेंटर होना चाहिए. हमारे टाइम में कोई नहीं था, बट हम उन लोगों के लिए करेंगे जो नया स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो हम उनके लिए ये चीज़ करेंगे. तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप हेल्प करोगे और आप गाइडेंस दोगे, तो स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं जो मतलब आपको अपने माइंड में लेके चलना पड़ता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कैसे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हो, किस तरीके से? ओके, तो स्टार्टअप आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है, किसी भी चीज़ का कर रहे हो, तो सबसे पहले बात आती है फंडिंग की. पैसा कितना लग रहा है? तो अब जब कोई स्टार्ट करते हो ना किसी भी स्टार्टअप में, तो आपके पास पैसा बहुत कम होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए. तो आप उस मनी को मैनेज करते हुए आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करो. मान लो कि आपने एक चाय का ही स्टॉल लगाया है. मैंने हमने जैसे अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं चाय का स्टॉल लगाया, और एक सबसे पहला होता है कि एक आपको अच्छा आइडिया चाहिए, एक अच्छा आइडिया और इन्वेस्टमेंट, उसको मैनेज करते हुए चलना है. और फिर आप स्टार्ट करो, अपना प्रोडक्ट पे ध्यान दो, और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट आपका बेस्ट होना चाहिए, तभी आपके पास लोग कस्टमर रिपीट करेंगे, रिपीट कस्टमर्स आएंगे. तो यहाँ से मेरे को ऐसा फील हो रहा है, अंदर से लग रहा है कि जैसे कि आप हिंट देना चाह रहे हो कि आपने जो ये कैफे खोला है, कहीं ना कहीं आपके पास फंडिंग नहीं थी और चाय का ठेला लगाने के बाद इतनी फंडिंग आ गई कि आपने कैफे खोल लिया, सॉरी. तो क्या ये सही सोच रही हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल राइट, सही है. मतलब इन्हें में चाय का ठेला खोल के लोग इतना फंडिंग बना सकते हैं कि आप एक मतलब अच्छा कैफे खोल सको बोरिंग रोड जैसे एरिया में. यहाँ का रेंट कितना देना पड़ता है? 20,000 प्लस GST. 20,000 प्लस GST इतनी छोटी सी जगह के लिए? तो आप सोच, अंदर में भी किचन है. अच्छा किचन भी है, अच्छा ठीक है. सौरभ, आपका कोई अभी इनिशिएटिव जो आप सोच रहे हो? देखो अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमारा जो भी इनिशिएटिव होगा ना वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही होगा, ठीक है ना. तो उनको थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी कस्टमर भी आता है तो उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है. जैसे एक कैफ़े में आप बैठे हो तो यहाँ पे जो आते हैं कस्टमर्स वो अच्छे से आपसे बात करेंगे, लेकिन जो आप स्ट्रीट वेंडर एक टाइम पे रहते हो ना तो वो इस रिस्पेक्ट नहीं मिलता है आपको, ठीक है. तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हैं हम लोग. तो शेफ्ट डे आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट करा है तो शेफ्ट डे का क्या वैल्यू होता है वो हम लोगों को पता है. तो अभी शेफ्ट डे आने वाला है अक्टूबर में 28 को, है ना? 28 अक्टूबर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे लोकेलिटी में, जितने भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो उनको हम लोग फ्री चाय देने वाले हैं, ठीक है. और उनके लिए थोड़ा क्लैपिंग भी कराएंगे, कोई नहीं करेगा, खुद ही करेंगे हम लोग क्लैपिंग, ठीक है. तो ये चीज़ हम लोगों ने सोचा है अभी कि थोड़ा उनको बूस्ट अप करेंगे और फिर उनसे काफ़ी बात बात करेंगे. जो भी चीज़ का वो पहले तो बता ही दिया है कि मतलब जो भी चीज़ का उन लोगों ज़रूरत होगा वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे. कैसे ज़रूरत प्रोवाइड कराएंगे, यही मेरा क्वेश्चन है दोबारा आपसे. ये पिज़्ज़ा का बेस कैसे रेडी होने वाला है वो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि टॉपिंग्स हवा में तो जाने वाले हैं नहीं. किस तरीके से हेल्प होने वाली है? वो डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर है वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, ठीक है. मान लो कोई पिज़्ज़ा बना रहा है या फिर बर्गर बना रहा है, तो उस बर्गर को मतलब वो ज़्यादा हाइजीनिक कैसे दिखा सकता है स्टॉल पे भी, ठीक है ना. तो ये सारा चीज़ हम लोग सिखाएंगे, कुछ उसका क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी, हाँ ये सारा चीज़. किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो लोग, खाने लायक है भी या नहीं, FSSAI से अप्रूव्ड है या नहीं, तो ये सब चीज़ें सिखाया जाएगा, तभी आप स्ट्रीट पे भी लाइक हमारा पटना बिहार अच्छा दिखेगा. चलो कुछ पढ़ाई लगता है इन लोगों ने की है, थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा इनकी यू नो नॉलेज की टेस्टिंग कर ही लेते हैं इन्होंने जो ऐसे बड़े बड़े हैवी वर्ड्स यूज किए हैं. तो
सौरभ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, होटल मैनेजमेंट वाले को सबको पता होता है, ठीक है। आई एच एम भटिंडा से हो यार, चलो एक काम करो मदर सॉसेस बता दो यार। मदर सॉसेस, हाँ मदर सॉसेस, ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उतना कुछ याद तो है नहीं है, लेकिन इसमें हॉलैंडाइज एक होता है स्पैगनल, ठीक है, और बलूते होता है, टोमेटो भी होता है, टोमेटो सॉस है, टोमेटो भी होता है, और क्या बता दिया, बलूते हो गया, हॉलैंडाइज हो गया होता है ना, नहीं मैंने नहीं होता है, मदर सॉस, मेयोनीज इज मदर सॉस, मेयोनीज इज मदर सॉस, अभी यही में सॉस रखा होता याद आएगा, स्पैगनल बलूते हॉलैंडाइज टोमेटो और एक कोई भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं मेयोनीज तो नहीं होता है, पांच मेयोनीज, ओके मेयोनीज होला हॉलैंडाइज, हॉलैंडाइज हॉलैंडाइज स्पैगनोल वेलूते बेशमेल बेशमेल एंड टोमेटो टोमेटो सॉस, यस इनको पता है। अच्छा दिव्यांशु, आप मेरे को बता दो पांच चीज गिने, ठीक है, जिसमें से मोजरेला नहीं होने चाहिए और ना प्रोसेस चीज होगी, मोजरेला तो होगा क्योंकि मोजरेला हम लोग यूज करते हैं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट, नहीं जो हम यूज करते हैं वो तो बताएंगे ना सबसे पहले, चलो ठीक है जाओ, चलो ले लो मोजरेला, ले लो मोजरेला, सेडार, ओके ओके, और पार्मेसान, पार्मेसान, और एक इटली का, हम लोग टॉपर्स नहीं थे इसलिए तीन ही बताएंगे, हां भाई तीन, ऐसे नहीं होता, इन्होंने हमारी प्रिंसिपल भी, आप बताओ, हमारी प्रिंसिपल भी ने तीन में ही पास कर दी थी एग्जाम में हमें, ओके चलो ठीक है। आप मेरे को बताओ पांच पास्ता के नेम जिसमें मैक्रोनी एक्सेप्टेबल नहीं होगी और स्पेगेटी भी नहीं, ठीक है, अरे तो क्या आता है, एक पेने आता है, चलो पेने आता है, हाँ एक लजाने आता है, लजाने आता है, प्यूसली, प्यूसली, ओके, और आपने मैक्रोनी तो हटा ही दिया मैक्रोनी तो हटा दिया, पेने बोल दिया क्या, हाँ बोल दिया ऑब्वियसली, देखो यार सारे का अगर आंसर कर दिया ना, तीन तो बोल ही दिया ना, हमारे अगर फैकल्टीज देख रहे हैं वो समझ जाएंगे स्क्रिप्टेड वीडियो है, इतना पढ़े हम लोग थे नहीं, स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं है, मैंने इनको हिंट भी नहीं दिया कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं, ना तीन इसमें ही बोल दिया ना, चलो ठीक है यार रहने देते हैं, इतने में पास हो गए हम लोग, पास हो गए, पास हो गए लौंडे पास। तो सौरभ आपने ब्रांडिंग के लिए क्या किया, कैसे मतलब ब्रांडिंग की, देखो पहले तो थिंकिंग होना चाहिए कि शुरू से कि आपको ब्रांड बनाना है, जब हम लोग स्टॉल पे भी थे तो भी रात को यही सोच के सोते थे कि ब्रांड बनाना है भाई, चाय कितना बिक रहा है उससे मैटर नहीं करता, तो वो चीज़ एक थिंकिंग सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आप मतलब जब ब्रांड बनाने किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको पैसा का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना, तो आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें ही थोड़ा, जैसे स्टॉल चला रहे थे तो स्टॉल से एक स्टॉल दो स्टॉल तीन स्टॉल करा तो एक अच्छा पैसा आने लगा उधर से, ठीक है, तो पैसा आने के बाद फिर आपको आज के डेट में अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो आपको मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग मस्ट है, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग, तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी यूट्यूबर है मतलब कोई भी अगर बंदा यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है 10 भी सब्सक्राइबर है उसको मैसेज करते थे, हमारा पूरा इंस्टा भरा रहता था कि भाई आ जाओ दीदी आ जाओ मतलब जो भी चीज़ है आ जाओ कोई तो हमारा वीडियो शूट कर दो, तो मतलब वैसे करके हम लोगों ने स्टार्ट करा, मार्केटिंग कराया और पैम्पलेट्स बटवाए, कार्ड्स हम लोगों ने बनाया है, जो भी हमारे कस्टमर आते हैं उनको हम लोग कार्ड शेयर करते हैं कि भाई इंस्टा पे फॉलो कर दो 5% का डिस्काउंट, ठीक है, ऐसा कर करके हम लोगों ने ऐसा कराया है अभी तक फिलहाल तो, और अब है कि मतलब खुद भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मतलब आपने पहले अप्रोच किया और अब आपको खुद ही लोग जानते हैं, अब खुद लोग जानते हैं तो खुद से ही लोग आ रहे हैं, कहीं जो आपने इनकम जनरेट की उसका कुछ पार्ट आपने ब्रांडिंग में दिया तब आप यहां पे, वो मस्ट है, वो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब आपको इंस्टाग्राम पे भी अपना जो भी एड डलवा रहे हो आपको उसको अब बूस्टअप करना है तो उसमें भी पैसा आपको पैसा खर्चा करना है लेकिन सही जगह पे करना है, सही जगह पे समझ लो, तो ये सारा चीज कैश मैनेज करना स्टार्टिंग में बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप कैश को मैनेज कैसे कर रहे हो क्योंकि लिमिटेड पैसा आ रहा है आपके पास और खर्चा 10 जगह का है तो मतलब उसमें आपको मैनेज करना है। ब्रांडिंग से मेरे को एक फ्रेंड याद आ गया, हर्षित तनेजा, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, जब हम लोग कॉलेज में थे तभी उसने कुछ स्टार्टअप का प्लान सोचा था, आई थिंक 2020 जब लॉकडाउन हो रहा था उसी टाइम पे उसने एक स्टार्टअप किया था, हर्षित अगर तुम वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है, उसका था कि उसने एक पिज्जा आउटलेट खोला और साथ में साथ यू नो केटरिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया और सिर्फ 2 साल में ब्रांडिंग और गूगल रिव्यूज और मतलब मार्केटिंग करके उस बंदे ने आज एक छोटा सा आउटलेट से उसने राष्ट्रपति भवन जैसी जगह पे जाके केटरिंग की है, सारे बड़े बड़े जगह जहाँ दिल्ली में मतलब जो भी जहाँ भी केटरिंग का उनको मतलब मिलना होता है, हर्षित का रिव्यूज गूगल पे बहुत अच्छा है, मैं आपको भी दूंगी, हर्षित अगर देख रहे हो तो नीचे आके कमेंट में थोड़ा सा हमें भी ज्ञान देना कि ब्रांडिंग कैसे करें ताकि पटना के स्ट्रीट वेंडर्स भी यू नो कुछ सीख सके, ठीक है।
सो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी कुछ देखा था, वो क्या है? वो एक्चुअली क्या है ना कि मतलब जैसे स्टेट के लिए भी हम लोगों को कुछ करना है, स्टेट के लिए बहुत ही कुछ करना है, ये थिंकिंग हमेशा से रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर में हम लोग जब रहते थे तो बिहार का एक रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है कि कुछ भी आप काम कर रहे हो छोटा तो बिहारी है, बिहारी है, ऐसे करके लोग बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब हम लोग ये चीज़ सोचते थे यार कि अपने स्टेट में लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर छोटा काम मतलब इन द सेंस वो छोटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी काम करना है तो अपने स्टेट में क्यों नहीं कर रहा है, बाहर आके क्यों करना पड़ रहा है? जैसे आप समझ रहे हो महाराष्ट्र के लोग बिहार में आके वो सारा चीज़ नहीं करते हैं, तो वही हम लोग मतलब पंजाब में और गोवा से मैं हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई, इसमें बैंगलोर से कराया, तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ को एक्सप्लोर करा, फिर हम लोगों ने सोचा कि किस चीज़ का कमी है बिहार में, तो फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है, खैर बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, तो हम लोग जो कर सकते हैं अवेयरनेस बहुत कम, हाँ अवेयरनेस कम है बहुत कम, तो वही चीज़ है कि लड़कियाँ भी बहुत कम काम कर पा रही है बिहार में, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है ना कि जो भी हमारा अभी फ्रेंचाइजी भी हम लोग का एक खुलने वाला है वो लड़की है, हम लोग उनको फ्री में फ्रेंचाइजी दिया है, मतलब फर्स्ट फाइव फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल बनाया है हम लोगों ने, वो लड़कियों के लिए है सिर्फ, जो उनको फ्री में देंगे हम लोग। आप वन शॉट को फ्रेंचाइजी दे रहे हो लड़कियों को? फर्स्ट फाइव फ्रेंचाइजी फ्री में, वो फ्री में रहेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप सपोर्ट करोगे उनको हर चीज, हर एक चीज करना है सब कुछ बताओ, सारा मशीनरी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गाइस, बिहार के लिए सच में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए। और भी हमारा कुछ है कि कुछ एनजीओ से हमारा अभी बात चल रहा है, जो लड़कियों कुछ मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो कुछ मतलब स्पेशल चाइल्ड जिनको बोलते हैं, तो उसमें कुछ जो मतलब डिसेबल्ड है, ठीक है, नेचुरली डिसेबल्ड है, उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब हमारे जो भी आउटलेट में कम से कम 2-3 लड़कियां काम करेंगी ही करेंगी, ऑपरेशनल जितने भी स्टाफ्स होंगे ना वो ऑर्फेंस होंगे या फिर फिजिकली डिसेबल्ड, तो उन्हें रखेंगे हम, वो हमारे मतलब क्या है ना कि ऐसा कुछ एनजीओज हैं, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उनसे हमारा बात हो रहा है, वो क्या करते हैं कि 2-3 महीने का हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कराते हैं जो भी उनके बच्चे हैं अंडर में, तो उनको कहीं ना कहीं सीखे हुए हैं वो कुछ ना कुछ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हैं, उनको हमको ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, और अपना मेन्यू जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग काम सिखा के और वो काम करेंगे हमारे साथ। हम लोग मतलब एक इकोनॉमी के बूस्ट करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहे हैं बिहार, तो आप विमेन एंटरप्रेन्योर भी बना रहे हैं और लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, और डिसेबल्ड और ऑर्फेंस इनको ही देंगे, इनको ही देंगे कुछ कर रहे हैं, हाँ आप एक ब्रांड बन रहे हो और आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो उसमें लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। दिव्यांशु, इस वन शॉट कैफे की स्पेशलिटी क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा स्पेशलिटी मटका चाय है, क्योंकि जब हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था ना तो मटके चाय से ही स्टार्ट किया था। अच्छा, मटका में चाय बनाते थे हम लोग मिट्टी में, तो क्ले वाले पॉट में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था वो टेस्ट, तो हमने अपने आउटलेट में भी आज मटका चाय ही बेच रहे हैं, हमारे पास फ्लेवर्ड चाय भी है वैसे, बट बेसिकली लोग मटका चाय ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और उस मटके चाय की प्राइस क्या है? ₹15। और हमारे यूनाइटिंग इंडिया लिखा हुआ है बोर्ड के बाहर, जैसा देख सकते हो आप, इट मीन्स कि ये हम पूरे इंडिया को यूनाइट कर रहे हैं ड्रिंक्स के थ्रू, लाइक बिहार का सत्तू हो गया, पंजाब का लस्सी हो गया, जो भी कल्चरल ड्रिंक्स हैं उनके, वो हमारे आउटलेट में वन शॉट पे ही मिलेगा आपको। तो मतलब आप कह रहे हो कि इस कैफे में 28 स्टेट्स के कल्चरल ड्रिंक्स मिलेंगे? हाँ जी, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं अभी 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 आपके पास सारा मेन्यू अवेलेबल है या फिर ये प्रोसेस में अभी सारा मेन्यू नहीं है, अभी इस पे R&D चल रही है, रिसर्च हो रहा है उस पे, वही है, जैसा कि आप दिल्ली में बैठे हो, बिहारी हो, आपको सब कुछ पीने का मन हुआ, हमारे आउटलेट में चले जाओ वन शॉट के कैफेज में जाओ, आपको सत्तू मिल जाएगा, इमोशन जुड़ा रहेगा लोगों का हमारे साथ। ये तो है, जब मैं खुद दिल्ली में थी तो मैं मतलब सत्तू के लिए क्रेव कर रही थी और मैं बोल रही थी पापा को कि पापा आप दिल्ली आना तो 1-2-3 पैकेट सत्तू लेके आना, तो ये चीज है, बिहारी बाहर जाते हैं उनको सत्तू नहीं मिलती है, तो वन शॉट के कैफे में आपको जरूर मिलेगी। और आपका खाने में क्या स्पेशल है? ये तो हो गई बेवरेजेस की बात। खाने में बेसिकली हमारा लाइक बहुत बजट वाला आउटलेट है, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वगैरह, तो उनके अकॉर्डिंग वो फटाफट क्या बन जाए, सैंडविच बन जाता है, बर्गर बन जाता है, फ्राइज खाते हैं लोग,
रैप्स, रोल्स हो गया, ये सब खाते हैं और बहुत बजट में है तो लोग स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही मेन्यू हमने रखा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे सैंडविच है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तो सारे में हम लोगों ने वन शॉट स्पेशल करके रखा है। उसमें क्या है कि प्राइस सेम रहता है दोनों का, आपको टॉपिंग्स चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, वेज में लो या नॉन वेज में लो, प्राइस दोनों का सेम ही रहेगा, आपको उसमें ऑप्शन मिल जाता है, बस वन शॉट स्पेशल वाला। मतलब ये हम लोगों ने थोड़ा अलग करके रखा है। मतलब मैं आऊंगी आपके आउटलेट में, मैं नॉनवेज मतलब नॉनवेज टॉपिंग्स लूं या वेज टॉपिंग्स लूं, मुझे सेम प्राइस लगेगा। हां जी बिल्कुल सेम प्राइस। क्या है वन शॉट स्पेशल पिज़्ज़ा की? 160। जस्ट 160 एंड आई कैन टेक नॉनवेज टॉपिंग्स एज़ वेल। बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है गाइस, जरूर आओ, खाओ पियो, मस्ती करो और पढ़ाई करो। तो ये थी दिव्यांशु और सौरभ की स्टोरी एंड अब हम लोग चलेंगे इनके किचन में। Right.